आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आपकी कौन सी होती है? अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, कल मैंने आपको ये बताया था कि अब हम जिस भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, इन्वोल्यूटरी, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सब में हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया है, तो अगर आपका ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। और अगर ट्रीवियल आप लोग एग्जांपल देखना चाहें, तो अगर ए इक्वल टू आप आइडेंटिटी ले लें, या फिर माइनस आइडेंटिटी भी ले सकते हैं, तो आपका आई स्क्वेयर भी आई होता है और आई माइनस टाइम आई स्क्वेयर भी आई होता है। तो ये आपके ए इक्वल टू आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी, ये तो आपके ट्रीवियल इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और आपके पास और भी बहुत सारी मैट्रिसेस मिल जाएंगी जो इस सेटिस्फाई करेंगे ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी को। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि आपकी जो जीरो मैट्रिक्स है वो कभी भी इन्वोल्यूटरी नहीं होगी। ठीक है, नॉट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है वो इन्वोल्यूटरी है। तो नेक्स्ट आपका आता है कि भी ए प्लस बी होगा या नहीं होगा, ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा, या फिर कुछ के टाइम्स ए की बात कर रहे हैं वो इन्वोल्यूटरी होगा या नहीं होगा। तो उस पे जैसे सर्टेन कंडीशंस भी हो जाती है कभी कभी। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें कि ए आपको इन्वोल्यूटरी दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद में मैं जानना चाह रही हूँ कि के टाइम्स ए है वो इन्वोल्यूटरी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वोल्यूटरी होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका जो स्क्वेयर है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। मीन्स इसका स्क्वेयर करके देखिए, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर आपका क्या है, इन्वोल्यूटरी आपको दिया हुआ है, तो ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये आपका के स्क्वेयर टाइम्स आइडेंटिटी। और इसको इन्वोल्यूटरी होने के लिए आपका आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि के स्क्वेयर आपका क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो आपकी कंडीशन जो निकल के आएगी के स्क्वेयर इक्वल टू वन, इसका मतलब के इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो अगर आपका ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है और उसको इसके किसी स्केलर मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि वो इन्वोल्यूटरी होगा या नहीं होगा, तो वो किस केस में होगा, जब आप सिर्फ प्लस या माइनस टाइम्स दैट मैट्रिक्स लेंगे, अदरवाइज वो आपका इन्वोल्यूटरी नहीं होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल ले रहे हैं तो। ठीक है, सिमिलरली आप ए प्लस बी का भी चेक कर सकते हैं, ए इंटू बी का भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का देखने के लिए आप ए प्लस बी का स्क्वेयर करेंगे और देखेंगे कि वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो वो किस कंडीशन में आपका आइडेंटिटी आ सकता है वो आप चेक कर लेंगे, एज ए होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। और आप ए इंटू बी का भी देख सकते हैं, तो ए इंटू बी का स्क्वेयर करके देखिए कि वो आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है, तो क्या कंडीशन उसको फुलफिल करनी होगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आप एज ए होमवर्क ले सकते हैं, इनको ट्राई करके देखना। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स आप किसे कहेंगे? आपने एक स्क्वेयर मैट्रिक्स ले लिया ए। अब अगर आप इसकी पावर्स करते हैं, तो सपोज मैंने ए की कुछ पावर के ले लिया और ये आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है, सच दैट इस के से कोई भी छोटी पावर आपकी जीरो नहीं हो। मतलब ए की पावर कुछ मैं एल ले लेती हूँ, वो नॉन जीरो होना चाहिए, और एल आपका क्या है, के से छोटा, वन से बड़ा और के से छोटा। मतलब आप ए की पावर्स कर रहे हैं और वो के पे, ए की पावर के करने पे जीरो हो रहा है, बट इस के से किसी पावर, के से अगर कोई भी छोटी पावर हम लेते हैं उसके लिए अगर ये जीरो नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और ये जो पावर आ रही है के, इसको हम बोल देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। क्योंकि कई बार आपका ये भी काम आ जाता है, निलपोटेंसी की जो इंडेक्स होती है, तो आपकी वो पावर जिस पे आपका मैट्रिक्स जो है वो जीरो दे रहा है, सच दैट उस पावर से छोटे पावर के लिए आपको जीरो नहीं मिल रहा है, तो वो पावर आपकी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी हो जाती है। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे
एक ट्रीवियल एग्जांपल जो आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो आपकी ऑलवेज निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप नॉन जीरो मैट्रिक्स में भी बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको निलपोटेंट मिल जाएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल आप लेना चाहें, ये होगी क्या, अगर इसको जीरो जीरो, हाँ देखिए इसकी 2 पावर करने पे आपको 0 दे दिया, तो 2 से पावर छोटी क्या बची, सिर्फ 1 ही बची, तो उस पे तो आपका 0 है नहीं, पर 2 पावर पे 0 दे दिया, तो ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई विद इंडेक्स 2, ठीक है। तो आपके पास नॉन जीरो भी ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस मिल जाएंगी जो आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आपकी ए निलपोटेंट है और बी निलपोटेंट है, तो उन दोनों का सम निलपोटेंट होगा या नहीं होगा, या फिर ए इंटू बी निलपोटेंट होगा कि नहीं होगा, और उनका इंडेक्स क्या होगा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको, जैसे ए प्लस बी का अगर आप चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए की कुछ इंडेक्स आपकी सपोज N1 होगा और बी की कुछ N2 होगी, ठीक है। तो अब ए प्लस बी की जो इंडेक्स है वो कितनी होगी, तो इसकी समथिंग आप कुछ पावर के ही करेंगे, क्योंकि हम इसकी N1 है इसकी N2 है, तो इसको अब आप उसके बाद में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वहां से एक्सपेंड करिएगा और फिर देखिएगा कि इस के पे आपका क्या कंडीशन आ रहा है, सच दैट आपके जो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे वो आपका 0 आएगा, ठीक है। और आई थिंक आपकी जो ए प्लस बी की जो इंडेक्स है वो आपकी N1 प्लस N2 माइनस 1 ये आएगी, आप एक बार चेक करके देखना, ठीक है, एज ए होमवर्क इसको लीजिए और इसको चेक करके आप मुझे बताएंगे कि इसकी इंडेक्स इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है ए प्लस बी की, जहाँ पे ए की इंडेक्स N1 है और बी की इंडेक्स N2 है, ठीक है। इनफैक्ट ये लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस, मतलब इसकी इंडेक्स सम प्लस इसकी इंडेक्स -1, ओके। सिमिलरली आपका ए इंटू बी भी देख सकते हैं कि ए इंटू बी आपका कब निलपोटेंट होगा, तो इसमें शायद आपको कुछ कंडीशन मिले कि आपका ए इंटू बी होना चाहिए निलपोटेंट कब, ठीक है। इसकी भी कुछ ना कुछ इंडेक्स निकल के आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, अगर ये इस टाइप से है कि ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो रही है, और ट्रांसपोज हमने कल डिफाइन किया था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकाल रहे थे कैसे, उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना के, तो अगर ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जा रही है तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन भी देख सकते हैं कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक बार देखते हैं, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, मतलब एक बार मैं इन जनरल एक मैट्रिक्स लिखती हूँ A11, A12, सपोज मैं 3x3 का ले रही हूँ, छोटे एग्जाम्पल से हम लोग एक बार समझते हैं, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है, 3x3 का ले रही हूँ। अब A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए, मतलब इसका ट्रांसपोज लिखिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A11, A21, A31, A12, A22, 23, आपका 13, 23, 33, आई थिंक यही होगा, हाँ ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, और कोई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती है, मतलब इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट के इक्वल होगी, इसकी सेकंड जो है इसके सेकंड के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए आई जे, ठीक है, इक्वल होना चाहिए ए जे आई के, क्योंकि A12 इक्वल होना चाहिए 2-1 के, 1-3 इक्वल होना चाहिए A31 के, तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन मिल रहा है कि ए आई जे जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए जे आई के। तो कोई भी मैट्रिक्स कब आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जब आपका ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो रहा है, ओके। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है वो क्या है, इस ये जो मैट्रिक्स है आपका,
3x3 का ही है, इसमें मुझे ये बताइए कि जो आपकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है वो कितनी होंगी। ठीक है, कल हमने इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसमें हमने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज देखी थी, राइट। कल नहीं ज्वाइन किया था, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि नॉन ट्रिवियल एंट्री कौन सी बात कर रहा है। देखिए हमारा क्या कंडीशन यहाँ पे आया है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, और ये मतलब अगर मुझे ए आई जे पता है तो ए जे आई तो मैं लिख दूंगी आराम से, इसको तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, या फिर मुझे इसका वैल्यू ही जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू से ही इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये जो एंट्री हो गई ये तो मेरी अपने आप ही फिल हो गई, ठीक है। तो ये जो हो गई ये ट्रिवियल एंट्री होगी। नॉन ट्रिवियल मतलब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, आपको कितनी वैल्यूज चाहिए एक मैट्रिक्स को जानने के लिए। तो अगर आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है कि ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है, तो कितनी आपको मिनिमम एंट्री चाहिए जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास कितनी चॉइसेस बची, फर्स्ट रो में देखिए 1, 2 और 3, ठीक है। सेकंड में A21 तो हमें पता चल गया क्योंकि हमें A12 पता है, तो ये तो हमारे पास ट्रिवियल एंट्री हो गई। A22 और A23 है उसकी चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे आपके पास में दो चॉइस हो गई। सिमिलरली थर्ड रो में आप देखेंगे तो 1, 3 पता है तो 3, 1 पता चल गया, 2, 3 पता है तो 3, 2 पता चल गया, सिर्फ हमारे पास किसकी चॉइस रह गई, A33 की। तो यहाँ पे आपके पास में एक चॉइस बच गई, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितनी चॉइस होगी, 3 + 2 + 1 = 6, ठीक है। तो ऐसे ही इन जनरल अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में अगर आप n×n की भी मैट्रिक्स बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल है आपका, इससे नीचे की सारी एंट्रीज आपको पता चल जाएंगी अगर आप अपर वाली सारी एंट्रीज आपको पता है तो, ठीक है। तो इनके बारे में तो मुझे बात नहीं करना है, मुझे क्या देखना है, सिर्फ जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं उनके बारे में कि ये मेरी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास में सपोज अगर n×n का है तो आपके पास फर्स्ट वाली रो में n एंट्रीज हो जाएंगी, सेकेंड वाले में एक एंट्री कम होगी तो आपके पास चॉइस कितनी बन गई, n-1, थर्ड में आपके पास में n-2 चॉइसेज हो जाएंगी, ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास में 1 चॉइस बच जाएगी। तो टोटल आपके पास में कितनी चॉइस, n+n-1+n-2+... और ये क्या हो रहा है आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो आपका क्या होता है, n×n+1/2। तो अब इस फॉर्मूला को आप चाहे 3×3 में वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 6 आया था और अगर इसमें n=, हम 3 पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3×4/2=6, ठीक है। जैसे अब ये तो 3×3 का था तो हमने निकाल लिया, बट अगर आपके पास में बड़ा कोई नंबर दे दे तो मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या आपका हो जाएगा, सिमेट्रिक में हमारा क्या हो रहा था, ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा था। स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आपका मैट्रिक्स माइनस टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सिमिलरली जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा था कि आपका ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो रहा था, अब माइनस टाइम्स ट्रांसपोज आप करके देखेंगे तो आपको क्या कंडीशन मिलेगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक कंडीशन और आएगी, ये तो आपका इन जनरल ए आई जे के लिए था, अगर यहाँ से हम एक डायगोनल जो एलिमेंट है आपके उन पे कंडीशन देखना चाहें तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई होना चाहिए, इसके हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया, 2 AI = 0 इम्प्लाई ए आई आई इक्वल टू 0, मीन्स आपके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो गए, 0 हो गए, राइट। क्योंकि अगर आप एक मैट्रिक्स, चलो हम 3×3 का ही ले लेते हैं, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, अब ये कह रहा है कि माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज की, ठीक है। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो रो की कॉलम और कॉलम का रो बनेगा, पर ये कह रहा है माइनस टाइम्स भी, तो
ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये तो आपके सेम ही रहेंगे, तो माइनस टाइम्स इसमें तो मतलब चांस नहीं होता है कि आपका अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस टाइम्स आपका हो। इसलिए आपने अगर इस कंडीशन से देखेंगे तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके किसी के इक्वल हो जाएंगे, जीरो के, ठीक है। और बाकी के जो बच गए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बच गए, वो क्या हो जाएंगे इस वाले रिलेशन से। अगर आपको ए वन टू की वैल्यू पता है 3 है, तो ए टू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स 3, ठीक है। ये वाली हमारी कंडीशन है। ओके, अब हमने जिस टाइप से सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आपकी कितनी हो रही हैं, उसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एंट्रीज तो आपकी क्या हो गई, जीरो। तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है क्योंकि तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। अगर ऊपर वाली एंट्रीज पता चल गई तो नीचे वाली भी पता चल गई, तो बेसिकली हमें कौन सी देखनी है, ऊपर वाली एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर्मिशियन के लिए हमने कल ट्रांजुगेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें आपका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट एक साथ ले रहे थे हम, ठीक है। तो बस उसी का इसमें एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। तो इसमें आपका जो मैट्रिक्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर ए इक्वल टू ए थीटा हो जाए, ठीक है। ए थीटा का मतलब क्या है, मैंने कल बताया था कि ए का ट्रांसपोज, सॉरी, ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लीजिए, या फिर इसका ट्रांसपोज लेके इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज तो हमने अभी देख ही लिया, और कॉन्जुगेट का मीन मतलब है कि आप हर एक जो मैट्रिक्स की हर एक एंट्री है उसका सॉरी कॉन्जुगेट ले लीजिए। और कॉन्जुगेट तो सबको पता ही होगा कि अगर एक एलिमेंट ए है तो इसके कॉन्जुगेट को हम ए बार से डिनोट करते हैं, ये इक्वल नहीं होता है, मतलब ए एलिमेंट है तो उसका कॉन्जुगेट ए बार होता है। रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो सेम रहता है, और कॉम्प्लेक्स का एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की हर एक जो एंट्री है उसका आप जब कॉन्जुगेट निकाल दें तो वो उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करता है ए इक्वल टू ए थीटा, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आपकी हो जाती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे एंट्रीज में आपकी क्या जो कंडीशन है क्या हो सकती है, ए आई जे इक्वल टू ट्रांसपोज के तो इक्वल हो ही रहा है, मतलब ए जे आई होना चाहिए, उसके साथ में आपका कॉन्जुगेट भी आ रहा है, तो ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई का कॉन्जुगेट की, ठीक है। ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हो गया कह सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने इन दोनों में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की बात करी है, वैसे इसमें भी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की बात, तो इसके लिए भी हमें सेम जो पीछे कर रहे थे कि आपके पास में अगर ए आई जे पता है तो आपका ए जे आई पता ही चल जाएगा, तो इन एंट्रीज की तो आपको बात ही नहीं करनी है, ठीक है। अब आप देखें कि डायगोनल पे आपके पास कोई यहाँ पे कंडीशन है या नहीं, तो डायगोनल पे कंडीशन कैसे देख सकते हैं, ए आई आई इक्वल टू आपका होना चाहिए ए आई आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर ए आई आई सपोज करिए आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो प्योरली रियल होंगी, प्योरली रियल होंगी, ठीक है। यहाँ से हमें कंडीशन पता चला। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये प्योरली रियल है आपकी डायगोनल वाली, ठीक है, तो ये आपके पास कितनी चॉइस हो गई, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो डायगोनल के लिए आपके पास चॉइस होगी एन, ठीक है, प्लस अब इनके लिए देखिए, जो डायगोनल है उसको छोड़ के देखिए। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स आपका किस टाइप से होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एक चॉइस
और आपका ये एन माइनस वन चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पे अगर बात करेंगे तो जो नॉर्मली हम लोग उधर रियल की बात कर रहे थे उसी टाइप से हो जाएगा। बट अगर रियल पे बात करेंगे तो आपके पास में एक ये चॉइस एक ये चॉइस, हर एक एलिमेंट से दो चॉइस निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि रियल की बात कर रहे हैं तो रियल में एक्स की अलग चॉइस होगी और वाई की अलग चॉइस होगी। ठीक है, तो रियल का हमने अभी पीछे में देखा है चॉइस आपका, तो बाद में एक का निकालेंगे, उसके बाद उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायगोनल पे तो आपको एन चॉइस मिल ही गया है, तो इसके लिए आपके पास में एन माइनस वन एन माइनस टू इस टाइप से आपका ये रहेगा। नहीं तो इससे पहले हो जाएगा, तो मतलब एन माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम, और ये आपका क्या होता है एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, और इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक एंट्री के लिए आपके पास में दो चॉइसेस है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू से टू कैंसिल हो गया आपका, इसमें कितना ऐड हो गया एन स्क्वेयर माइनस एन, तो ये कट गया और एन स्क्वेयर आ गया। तो ओवर रियल नंबर आपका एन स्क्वेयर आ गया। तो जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक देखी थी वैसे इसमें स्क्यू हर्मिशियन का काम करती है, स्क्यू हर्मिशियन। तो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था कि ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज हो रहा था। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन में ए इक्वल टू माइनस ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें आपका जो एंट्रीज पे है वो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब अगर इसमें आप लोग डायगोनल पे चेक करना चाहें हम लोग कि भाई डायगोनल पे क्या करने, जैसे इसमें हमने देखा था हर्मिशियन में कि आपके प्योरली रियल होंगे, स्क्यू हर्मिशियन में आपका ए आई आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ए आई आई का कॉन्जुगेट, मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई टाइम्स एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक्स माइनस ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपके डायगोनल होंगे ये प्योरली इमेजिनरी आएंगे। तो हर्मिशियन में आपका प्योरली रियल आ रहे थे और इसमें आपका प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो आएगा। तो अगर हम जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्योरली रियल आ रहे थे तो भी आपके पास एन चॉइस आ रही थी, अब यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी आ गया, तो इमेजिनरी आ गया तो आपका आयोटा वाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्योरली इमेजिनरी में अब आपके पास डायगोनल की एनी चॉइस हो जाएंगी, और बाकी का आपको रियल हुआ तो आपके पास में हर एक एंट्री के लिए दो चॉइस, उसके लिए हमने यहाँ पे निकाल ही दिया है, और कॉम्प्लेक्स होगी तो एक एक चॉइस। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन आपका स्क्यू हर्मिशियन पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? जब आपका कोई मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो इस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे आपका ए है जो वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ये कंडीशन भी आता है। सेट लिया एस यू वन यू टू, सपोज इसमें यू एन एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट लिया टी वी वन वी टू, इसमें भी एन एलिमेंट है। ठीक है, तो इन दो सेट को हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे कब? अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, मतलब यू वन इंटू वी वन प्लस यू टू इंटू वी टू, मतलब टपल वाइज आप लोग इनका प्रोडक्ट लेके इनको सम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप सम कर रहे हैं, ये अगर आपका कितना आ रहा है जीरो आए, और अगर खुद का खुद से लें ये चीज, मतलब यू वन का स्केयर प्लस यू टू का स्केयर डॉट डॉट प्लस यू एन, हाँ ये वन आएगा आपका, और खुद से खुद जब ये प्रोडक्ट करें तो आपका वन आए। तो अगर इस टाइप से आप दोनों कंडीशन को ये जो सेट है सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये आपके ऑर्थोगोनल सेट है। तो अब आप मैंने बोला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके रोज या कॉलम
ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म हो रहे हो। मीन्स अगर मैं 3x3 की बात करूँ, a11, a12, a3, 2-1, 2-2, टू थ्री, a31, a32, a33, ये आपका 2-1 था। ओके, तो ऑर्थोगोनल की मतलब अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा, इसका इसके साथ लेंगे तो भी 0 आएगा, बट अगर इसका खुद का खुद के साथ में लेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हर एक रो या फिर हर एक कॉलम की अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी कोई मैट्रिक्स आपको मिल जाए जिसके सारे रो या कॉलम इस टाइप को होल्ड करते हैं तो वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी मैट्रिक्स है यूनिटरी। तो इसमें आपका क्या कंडीशन हो जाता है, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू ए। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई मैट्रिक्स तो उसको हम बोल देंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब जिस हिसाब से हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा, मतलब बात किया कि इसके जो रो या कॉलम है वो आपके ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, यूनिटरी में क्या बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांजुगेट की बात हो रहा है, मतलब ट्रांसपोज के साथ साथ में कॉन्जुगेट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन, ये आपकी यूनिटरी होगी कब, इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स। मॉडुलस का बात क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजुगेट सॉरी कॉन्जुगेट की बात हो गई, और हमें पता है कि जेड इंटू जेड बार हम किस टाइप से लेते हैं, मॉडुलस से लिखते हैं इसको, मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस की बात आ जाती है। उसमें तो सिंपली हम क्या करते हैं, u1 इंटू v1 प्लस u इंटू इस टाइप से ले रहे थे, यहाँ पे कॉन्जुगेट वगैरह की कोई बात नहीं हो रही थी, बट यूनिटरी मैट्रिक्स में आपके पास में इस टाइप का कॉन्जुगेट की बात आ जाती है, इसलिए मॉडुलस की बात आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कहता है, क्या कहता है कि अगर आपका u1, अगर इसमें ये थोड़ा सा मैं इसको अगर सिंपली टाइप से लेना चाहूँ, u1 इंटू v1 बार की बात करेंगे, ठीक है, प्लस u2 इंटू v2 इसी टाइप से, अगर ये 0 होगा और खुद का खुद के साथ में लेंगे तो 1 होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल प्रोडक्ट करके प्लस कर रहे थे, इसमें हम कॉन्जुगेट की भी बात कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है और ज़्यादा नहीं है। तो ओके, सो सबसे पहले हम लोग माइनर की बात कर लेते हैं। तो माइनर आपका क्या होता है, जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया a11, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3। ठीक है, तो माइनर हम एक एलिमेंट का निकालते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट। तो जैसे इसमें मैं सपोज a11 के माइनर की बात करूँ, ठीक है, तो इसका माइनर किस टाइप से निकलेगा, इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। ठीक है, वही आपका इस एलिमेंट का माइनर हो जाता है। तो यहाँ से किसी का भी माइनर, जैसे सपोज a22 का निकालना है, ठीक है, नहीं सपोज a31 का निकालते हैं, a22 का तो डायगोनल हो गया, a31 का निकाल रहे हैं, तो जिसमें यह है उस रो को छोड़ दिया और उस कॉलम को छोड़ दिया, अब बाकी कौन सा बच गया आपके पास, ये मैट्रिक्स बच गया, इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल दो, यही इसका माइनर हो गया। ठीक है, अगर इस डिटरमिनेंट से हम मल्टीप्लाई कर दें, किस से, -1 टाइम्स आई प्लस जे इंटू, अगर मैं इस माइनर को एम आई जे बोलूं, तो अगर किसी माइनर को हम -1 to the power i plus j से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका हो जाता है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे आई जे की बात करें तो ए आई जे।
इस एलिमेंट का को फैक्टर हो जाएगा अगर आप माइनर को -1 to the power i+j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 3 की बात कर रहे थे, तो को फैक्टर ऑफ a31 ये आपका क्या हो जाएगा, -1 to the power 1+3, 1+3 और m13, तो यहाँ पे तो ये आपका m13 ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनर आपका हो गया, जिस भी आप aij की माइनर की बात कर रहे हैं, तो ith रो ये कॉलम छोड़ के जो बाकी मैट्रिक्स बच गया उसका आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, वो आपका माइनर हो गया, और उस माइनर को आप -1 to the power i+j से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका को फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो 2×2 का जो डिटरमिनेंट होता है वो तो आई थिंक सभी को पता है, अगर मैं ABCD 2×2 का ले लूं तो इसका डिटरमिनेंट आपका AD-BC इस टाइप से निकलता है। ठीक है, और 3×3 का अगर मैं लूं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट हम इसका जो डिटरमिनेंट को इस टाइप से डिनोट करते हैं, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट इस टाइप से खड़ी पाई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो सपोज मैं फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग देख रही हूँ, तो इसका जो डिटरमिनेंट वो क्या होगा, A11, ठीक है, A11 इंटू इसका जो कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसको मैं सपोज कुछ C11 लिख देती हूँ, ठीक है, -A12, या फिर इसको आप इस टाइप से माइनर में ही लिखिए, ठीक है, M11 -A12 इसका माइनर प्लस A13 M13। ठीक है, ये तो हमने माइनर के फॉर्म में लिख दिया, अगर कोफैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो A11 M11 सॉरी C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। अब देखिए C11 में हमारा जो कोफैक्टर है इसमें माइनर के साथ में -1 to the power 1+1 से, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। इसमें अगर आप माइनर की बात करेंगे तो C12 आपका कितना होगा, -1 to the power 1+2 जो कि आपका 3 हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स M12 दे देगा। तो ये वाला और ये वाला चीज सेम है, तो जनरली हम लोग यही वाला करते हैं कि दिस मल्टीप्लाई बाई इसको रो और कॉलम छोड़ के जो बच गया, -A12 इस रो और कॉलम को छोड़ के जो बच गया, इस टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप 4×4 n×n का निकाल सकते हो, तो 2×2 का तो सिंपली पता होता है, बाकी के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आप रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो आपका डिटरमिनेंट भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें इस रो या कॉलम को आपने चेंज कर दिया, एक रो को चेंज कर दिया, तो माइनस टाइम्स आपका चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट। टू टाइम्स चेंज, दो रो को चेंज कर रहे हो तो -1 to the power 2, इस टाइप से अगर आप के रो को चेंज कर रहे हो तो -1 to the power k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। मीन्स अगर आप ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और इसकी रोज को इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो वो कभी भी आपका सेम नहीं होता है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है जितने टाइम्स आपको रो को इंटरचेंज करेंगे, राइट। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है बट मिस्टेक बहुत बड़ी करवा देती है ये काफी बार। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जैसे हम रो इक्लन फॉर्म या जब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो उस टाइम हमसे एक गड़बड़ी हो जाती है, जब हम डिटरमिनेंट देखते हैं तो आपका डिटरमिनेंट सेम नहीं रहता है ऑपरेशन करने के बाद में। अगर आप रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब आज इतना ही करते हैं।